हेलो रन वेलकम टू चैनल तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इवन सेमेस्टर यानी कि एम बी सेकेंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं कितने इंटरनल के होंगे कितने एक्सटर्नल मार्क्स हैं क्या क्रेडिट होगा उन सब्जेक्ट्स का और साथ ही साथ इसमें दो सब्जेक्ट हैं यानी कि एक आई स्किल है जो कि लैब है और दूसरा है मिनी प्रोजेक्ट वो भी आपको जो है पढ़ना पड़ेगा तो टोटल एट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं प्लस टू आई स्किल यानी कि लैब और एक मिनी प्रोजेक्ट है यानी कि टोटल दस सब्जेक्ट जो है यहाँ आपको, आपको डील करना पड़ेगा तो सबसे पहले है जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है दैट इज के एम टू वन यानी बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस तो यहां पे देखिए दो सब्जेक्ट हैं इस एक सब्जेक्ट में भी दो हैं बिजनेस जो कि शुरू के दो यूनिट है और लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस जो कि लास्ट के तीन यूनिट वो लीगल एस्पेक्ट होंगे पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया आई एक्ट हो गया कंपनीज एक्ट हो गया ये जो है आपको पढ़ना पड़ेगा तो इंटरनल फिफ्टी मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल हंड्रेड मार्क्स का होगा टोटल वन का ये जो पेपर कंडक्ट कराया जाएगा क्लियर देन है सेकंड पेपर के एम बी एंड टू जीरो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है यहां पे आपको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो है इंप्लॉई का बेनिफिट कंपनसेशन प्लान ये सारी चीजें जो है आपको इस सब्जेक्ट में पढ़नी होगी इंटरनल पचास का एक्सटर्नल हंड्रेड का टोटल डेढ़ सौ का पेपर होगा तीन क्रेडिट का नेक्स्ट जो पेपर है method, two, में पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी है कि रिसर्च क्या होता है टाइप ऑफ रिसर्च स्केलिंग मेजरमेंट टेक्निकोवेबिटी टाइप ऑफ सैंपलिंग सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस यहां पे आपको भी देखना होगा रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी ये सारी चीजें जो है टॉपिक्स आपको यहां पे देखने होंगे तो यहां पे 50 का इंटरनल हंड्रेड का एक्सटर्नल टोटल 150 और तीन केट का पेपर ये भी होगा नेक्स्ट पेपर है दैट इसके एम बी एंड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस तो यहां पर आपको फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक जो है आपको पढ़ना पड़ेगा कैश फ्लो बेस्ड मॉडल सी ए पी एम मॉडल एनपीबी आई आर आर डिवेंचर कॉस्ट फाइनेंसिंग एन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन डिविडेंड रेलिवेंस मर्जर एक्विजीशन ये सारे टॉपिक्स जो है आपको यहां पे पढ़ने पड़ेंगे देन नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट है दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट के एम बी एन टू जीरो फाइव तो यहां पर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट अगर आपने सुना होगा तो वही सारी चीजें जो यहां पर आपको पढ़नी है तो ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है सर्व कॉल मॉडल पीपीसी मॉडल ईओ क्यू एबीसी जो है टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग ठीक है ये सारे सब टॉपिक्स जो है आपको यहां पर पढ़ने होंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी यहां पर जो है आपको देखना होगा ट्यूकीएम पीडीसी कैजन मॉडल ये सारी चीजें यहाँ पर टॉपिक आपको देखने होंगे देन आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज न्यूमेरिकल सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेज ये जैसे आपने बिजनेस स्टैट्स पढ़ा था एमपी फर्स्ट सेमेस्टर में उसी तरीके से सेमेस्टर में 206 है क्वानिटेट टेक्निक फॉर मैनेजर ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है हालांकि नुमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं लेकिन ये टोटली totally न्यूमेरिकल होता है तो इसका इंटरनल पचास मार्क्स का एक्सटर्नल हंड्रेड मार्क्स का टोटल वन मार्क्स का ये जो पेपर होगा और यहाँ पे इसका क्रेडिट कितना है थ्री क्रेडिट का यहाँ पे भी होगा तो यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम असाइनमेंट मॉडल सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम हो गया क्यूंग थ्योरी हो गया रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम प्रोजेक्ट इन सारे टॉपिक्स जो है आपको यहां पे इस सब्जेक्ट में पढ़ने पड़ेंगे न्यूमेरिकल पेपर है याद रखिएगा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स तो ये नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है तो यहाँ पे जो है इंटरनल 50 मार्क्स का है एक्सटर्नल 100 मार्क्स का है टोटल 150 फिफ्टी मार्क्स का पेपर है तीन क्रेडिट इसका भी है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट ब्लॉग डेवलपमेंट सुस सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ई मार्केटिंग एस होगा यहाँ पर आपको पढ़ना है मार्केटिंग स्ट्रेजीज़ क्या हैं और एनालिटिकल टूल्स कौन सी चीज़ें हैं ई क्रेडिट कार्ड ई यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ये सारे टॉपिक्स जो है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स में पढ़ने होंगे देन आता है नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट जो है थियोटिकल सब्जेक्ट दैट इज़ के एम बी एंड टू जीरो एट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो ये पच्चीस मार्क्स का इंटरनल है पचास मार्क्स का एक्सटर्नल है सिर्फ यहाँ पे आपको तीन यूनिट पढ़ने हैं मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है उसके टाइप्स पे मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ग्रुप डिसीजन और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लैब भी आपको यहाँ पे करना है डेटा रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है डीबीएमएस वाले टॉपिक यहाँ पे जो है आपको डेटा वे, माइनिंग डेटा वेयर हाउस ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे तो टोटल तो आपको एट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो कि प्लस पर्सनोमेरिकल है एक न्योमेरिकल क्वानिटेट टेक्निक फॉर मैनेजर बाकी सभी आपको जो है नॉर्मली थियोरिकल मिलेगा हाँ कुछ क्वेश्चन मेरिकल हो सकता है आपको मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी मिल जाए उसके बाद फिर आता है आपका स्किल और मिनी प्रोजेक्ट तो जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था उसी तरीके से यहां पे भी एक सेमिस्टर स्किल है लैब टू और मिनी प्रोजेक्ट टू है यहाँ पे तो पच्चीस पच्चीस दोनों का इंटरनल है जो प्रोजेक्ट इवाल्यूशन है वो सिर्फ मिनी प्रोजेक्ट का होगा जो कि पच्चीस मार्क्स का होगा तो टोटल आई टी स्किल लैब टू पच्चीस और मिनी प्रोजेक्ट टू फिफ्टी मार्क्स का होगा तो वन क्रेडिट का आई स्किल है टू क्रेडिट का मिनी प्रोजेक्ट है तो एट प्लस टू एट थ्रेडिकल सब्जेक्ट और यहाँ पे दो आपके लैब और प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं तो ये पूरा इवेंट सेमेस्टर 2022 का सिलेबस है आपका एमबीए सेकंड सेकेंड सेमेस्टर में विशो ऑल द बेस्ट की पहुंचेंगे